का नाम तो आपने एम श्योर सुना होगा क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का काफी जाना माना नाम है जिसमें अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं या फिर विला परचेज करते हैं या फिर आप कोई प्लॉट बाइक करते हैं तो आपको मिलती है साथ में बहुत सारी एम्यूनिटीज लाइक वाइड रोड जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोड आपका जो विला के बाहर वाला रोड है कितना ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है पार्कस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे अम्यूनिटीज़ की तो आपको प्रोजेक्ट में काफ़ी लग्जरीस क्लब हाउस भी मिल जाएगा अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो डीएलएफ का जो क्लब हाउस है वो सबसे लग्जरियस क्लब हाउस है ट्राइसिटी का Uh, तो उसका आनंद आप उठा सकते हैं उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा जब भी आप यहाँ पे कुछ भी परचेज करेंगे तो यहीं पे डीएलएफ में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 350 फिफ्टी यार्ड का विला जो कि बना हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुली सो कुछ इस तरीके का आपका फ्रंट रहने वाला है विला का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ड्राइव थ्रू रहेगा देन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीन पैच मिल जाता है अः uh, जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्लांटिंग फ्लावरिंग वगैरह ऑलरेडी इन्होंने कर रखी है आप इसको मेंटेन कर सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका मेन डोर रहने वाला है आपके विला का आइए चलते हैं अंदर सो so, नॉर्मली आप इसको ओपन कर सकते हैं जब भी आपको अपना गाड़ी वगैरह पार्क करना हो तो आप बड़ा वाला गेट भी खोल सकते हैं अंदर इतना स्पेस है कि आपकी तीन काफी बड़ी गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं अगर अच्छे से मैनेज किया जाए इतना ज्यादा स्पेस आपको अंदर मिल रहा है जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आ जाता है ये ब्यूटीफुल सा लॉन एरिया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस घर का फ्रंट बहुत पसंद आया है। जो ये एरिया है ना कितना पीसफुल कितना रिलैक्सिंग एरिया होने वाला है आपके घर का जब भी आपको घर के बाहर जाने का मन करे बैठने का मन करे यहाँ पे अपना टेबल चेयर लगा के आप इजिली बैठ सकते हैं यही से जो आप स्टेप्स देख रहे हैं ये कनेक्टेड रहेंगे आपके ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया से Uh, यहाँ पे प्लांटिंग की भी बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है डिटेलिंग की बात करेंगे तो पूरे ही घर में आप साइड साइड में देखिए आपको वॉल लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो आपकी एलिवेशन लाइट्स हैं यहाँ पे भी अगर हम साइड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप आगे भी बहुत अच्छी तरीके से लगाई गई हैं uh, यहाँ पे आपका टैब भी प्रोवाइडेड है इनकेस आपके प्लांट्स को आपको पानी देना है उनका केयर करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं आपको अंदर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so, ये था हमारा लॉन अब आइए चलते हैं आगे आपको मेन एंट्रेंस दिखाती हूँ घर की मैंने डिटेलिंग की बात की थी तो आप देखिए कि लाइट्स यहाँ पे भी आप दोनों साइड लाइट्स देख सकते हैं जो आपका एलिवेशन लाइट्स है अभी तो ये आपको इतना विजिबल नहीं होगा बट नाइट में ये बहुत सुंदर बनाने वाला है आपके एलिवेशन को यहीं से अगर एंट्री की ही बात करेंगे तो ऊपर ये जो आपका स्पेस आ जाएगा इसमें आप ये एंगल्स देख सकते हैं जो आपकी एंट्री को काफी यूनिक एंड काफी ब्यूटिफुल एलिगेंट बना देते हैं देन टू स्टेप अप यहाँ पे आ जाएगी हमारी मेन एंट्रेंस एंड ये आ जाएगा रास्ता आपके रूफ टॉप के लिए तो पहले एंट्रेंस देखते हैं घर चेकआउट करते हैं उसके बाद मैं आपको रूफ टॉप पे लेके जाऊंगी सो so, एंट्री में ही सबसे पहले आपका ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डोर आ जाता है कंप्लीट वुडन का डोर है विद मैट फिनिश ये रहने वाला है कलर अगर देखेंगे वो भी काफी अच्छा है So guys, जैसे आप अपने main door से enter करेंगे यहाँ पे आ जाता है आपका area, जहां पे आप अपना शुराक वगैरह रख सकते हैं एंड देन यहाँ पे आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया जो स्पेस आप देखिए यहां पे जहाँ पे अपना इजीली टेन टू ट्वेल्व सीटर अकोमोडेट हो सकता है इजीली यहाँ पे सामने आप अपना स्क्रीन लगा सकते हैं एलईडी डी बना सकते हैं यहाँ पे फॉलसिलिंग पूरे घर में आपका एज इट इज रहेगा घर आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है मैं साथ साथ बताती रहूंगी कि आपको क्या क्या मिलेगा साथ में ए आपको पूरे घर में मिलेंगे जहां जहां आप एसी देख रहे हैं लगे हुए हैं ऑलरेडी ये आपको एज इट इज मिलेंगे फ्लोरिंग आपका एज इट इज रहेगा फॉल सिलिंग आपकी एज इट इज रहेगी एंड गाइज देन आफ्टर दिस स्पेस यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस एंड ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन भी यहाँ पे लगा हुआ है गाइज इस एरिया को देख के ना हमारी वो पुराने घरों वाली यादें ताजा हो जाती है जैसे गांव में घर हुआ करते थे ना आंगन था जिसमें लाइटिंग प्रॉपर आती थी बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे सारे बैठ के गप्पे मारते थे तो कुछ वैसा सा फील आपको यहाँ पे आने वाला है क्योंकि ये ऊपर आपका शेड लगा हुआ है जहां से लाइटिंग प्रॉपर आ रही है तो कभी भी दिन में जैसे है तो आपको लाइटिंग पूरे घर की जलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से काफी अच्छी लाइट है देन साथ ही पीछे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन भी आ जाता है अभी जैसे ये ऑन नहीं है जब भी ये ऑन होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस देगा इस एरिया को आपके देन यहाँ सामने आ जाता है आपका ब्यूटीफुल सा किचन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रेकफास्ट काउंटर देन कुछ इस तरीके का किचन आपका रहने वाला है uh, जहां इस साइड अगर हम बात करेंगे तो आपका डुल सिंक आ जाएगा ऊपर आप कैबिनेट्स देख सकते हैं यहाँ पे एंड आफ्टर दिस यहाँ पे जो आपके अपर कैबिनेट्स रहेंगे वो हाइड्रोलिक ओपनर के साथ रहेंगे कुछ आपके सेम आ जाएंगे चिमनी हॉब आपका एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक कवर्ड स्टोरेज मिल जाती है जहां पे आप अपना वो सामान रख सकते हैं जो आपको बाहर नहीं रखना है थोड़ा सा छुपा के रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं देन यहाँ पे आ जाता है आपके अप्लाइंसिस के लिए स्पेस देन uh, नीचे कैबिनेट्स हैं यहाँ पे आप अपना सारा सामान स्टोर कर सकते हो आपका बेकिंग का कोई सामान हो गया या फिर बाकी भी सामान हो गया वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो ये आपका पूरा पेंट्री सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके रेफ्रिजरेटर के लिए ये आपके जो रेफ्रिजरेटर है एंड एंडियो माइक्रोवेव ओटीजी आपको नहीं मिलेंगे विद द परचेज तो यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके रेफ्रिजरेटर के लिए फ्रिज ऑलरेडी लगा हुआ है तो स्पेस का आइडिया आपको लग जाएगा कितना बड़ा फ्रिज आप यहाँ पे लगा सकते हो अगेन जो फॉल सीलिंग है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ब्यूटिफुल सा एज इट इज बिल्कुल रहने वाला है आपका गीजर प्योरिफायर वगैरह किचन में ऑलरेडी लगा हुआ है एंड गाइड वन मोर थिंग ये जो सामने वाला वॉल है ना यहाँ पे आप ये जो टाइलिंग देख रहे हैं ये काफी ब्यूटीफुल एंड काफी एलिगेंट टाइलिंग है अः uh, अगर हम किचन के उससे देखें तो ये भी काफी अच्छी चीज मुझे यहाँ पे इस किचन में लगी है फॉर द फिनिशिंग वर्क सो so, ये था हमारा किचन इसी के साथ हमारे ड्रॉइंग डाइनिंग कम्प्लीट होता है किचन भी मैंने आपको दिखा दिया पूजा स्पेस भी साथ में आपको दिखा देती हूँ सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका पूजा स्पेस रहने वाला है जिसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं अभी भी जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो छोटा सा मंदिर है वो बना के रखा हुआ है यहाँ पे आप अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस तरीके का आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं सो ये था हमारे बाहर के पार्ट्स घर के आपका ड्राइंग डाइनिंग फाउंटेन किचन पूजा स्पेस में आपको सारा दिखा चुकी हूं बाहर का लॉन भी मैंने आपको दिखा दिया एंट्री दिखा दी अब हम चलेंगे घर के प्राइवेट स्पेसेस की तरफ जो है हमारे रूम्स तो फर्स्ट बेडरूम यहां पे आ जाएगा आपका सो so, कुछ इस तरीके का आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है जहां से आपको पूरा लॉन का व्यू मिल जाएगा तो ये जो आपका विंडो है यहाँ से आप अपना मेन गेट भी देख सकते हैं अपना पूरा लॉन देख सकते हैं पूरा ग्रीन व्यू आपको यहाँ से आने वाला है बाहर का रोड भी विजिबल रहेगा स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो आपका किंग साइज बेड यहाँ पे आराम से इंस्टॉल हो सकता है सामने वाली वॉल पे सॉकेट्स वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पे आप अपना एलईडी लगा सकते हैं पैनलिंग करवा सकते हैं ए सी इज रहेगा फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनिंग के साथ है And जो आपके कर्टन रहेंगे ना वो भी आपके सीलिंग हाइट तक रहेंगे फॉल सीलिंग आपकी साइड में है ये भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी चीज है देन इस साइड आ जाएंगे हमारे कबर्स विद दिस ब्यूटिफुल ले आउट अंदर भी कैबिनेट्स हैं अगेन यहां पे भी देख सकते हैं ऊपर भी स्टोरेज है आपका एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम गाइज ये जो वॉशरूम है ये आपका एज अ कॉमन वॉशरूम भी यूज हो सकता है क्योंकि इसमें आपको दो डोर मिल जाते हैं तो ये कनेक्ट करता है आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया से सो so, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीट देन योर बेसिन मिरर पार्टीशन ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलने वाली हैं जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइलिंग जो है वो भी काफी ब्यूटीफुल लगा रखी है एंड अगेन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि जो लाइटिंग है वो छोटी छोटी डिटेलिंग जो है ना आप यहां पे भी देख सकते हैं तो ये काफी सुंदर बना देती है आपके वॉशरूम को सो so गाइज ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम अब दो बेडरूम हमारे इस साइड आ जाएंगे यहां पे देख सकते हैं आप हमारा सेकंड एंड हमारा थर्ड बेडरूम तो पहले सेकेंड चेकआउट कर लेते हैं इसका जो विंडो है वो आपका डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड रहेगा आप यहां पे देख सकते हैं आइए सो so, इस बेडरूम का साइज भी आपका काफी अच्छा आ जाएगा जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं Uh, जो फर्नीचर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको साथ में नहीं मिलेगा विद द परचेज फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन है ये आपका एज इट इज रहेगा ए सी आपको विद द परचेज मिलेगा सामने वॉल uh, पे एल पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं आप भी कुछ इस तरीके का अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं अपना एलईडी लगा के एंटरटेनमेंट uh, एंजॉय कर सकते हैं इसके साथ भी आपका बैकयार्ड अटैच रहेगा जो आपका नेक्स्ट रूम से भी है तो वो मैं आपको वहां से दिखाऊंगी देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉकिंग क्लोजेट एंड हमारा वॉशरूम तो वॉकिंग क्लोजेट में जो आपके डोर्स रहेंगे वो विद मिरर रहेंगे जो आपके दोनों काम कर देते हैं एक तो आप खुद को पूरा चेकआउट कर सकते हो दूसरा आपका डोर हो जाता है क्लोजेट का इसका जो स्पेस है वो भी काफी अच्छा है देन सामने डिफरेंटली भी आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है यहाँ पे पूरा मिरर लगा हुआ है देन नीचे भी हैं आपके जिनमें आप अपना मेकअप वैनिटी वगैरह सारा स्टोर कर सकते हो एंड देन इस साइड आ जाएगा हमारा वॉशरूम सो वॉशरूम का एरिया अगर आप देखेंगे ये भी काफी अच्छा है uh, जो फ्लोरिंग है वो सारी वुडन फ्लोरिंग है आपकी वॉशरूम के अंदर स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका बेसिन आ जाएगा अः देन मिरर यहाँ पे देख सकते हैं एज इट इज रहेगा सीट आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका बाथिंग सेक्शन पार्टीशन भी इंक्लूडेड है फैन लगा हुआ है यहाँ पे फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है so, सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में सो दिस इज आर थर्ड बेडरूम इसमें भी आप स्पेस देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है क्योंकि बेड ऑलरेडी लगा हुआ है एज अ सैंपल तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना स्पेस uh, आपका बेड लेने वाला है उसके बाद भी आपके पास कितना स्पेस बच जाएगा So, यहाँ पे आपका विंडो आ जाएगा जिसमें आपका बैकयार्ड है बाहर पूरा ग्लास का विंडो रहेगा आपका ये बैकयार्ड का कनेक्शन है आज ये पहले बैकयार्ड चेकआउट कर लेते हैं सो so, दो डोर रहेंगे एक आपका वुडन डोर रहेगा दूसरा आपका मैश डोर आ जाएगा कभी भी आपको फॉर द वेंटिलेशन आप इसको क्लोज रख सकते हैं दूसरा डोर अपना ओपन कर सकते हैं ताकि मच्छर वगैरह घर में ना आए सेकेंड uh, थिंग uh, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये भी काफी स्पेशियस एरिया है आपका जहाँ पे आप अपना वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी सारा कर सकते हो कपड़े वगैरह सब यहीं पे सुखा सकते हो एंड uh, उसके बाद आप अपने तरीके से भी इस एरिया को मैनेज कर सकते हो प्लांटिंग वगैरह कर सकते हो कुछ भी सिटिंग स्पेसेस अगर क्रिएट करना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो ये पूरा आपका ओपन आ जाएगा जिसमें आपका ग्रेलिंग है जो आप देख सकते हैं पूरा सिक्योर्ड आ जाएगा बट ओपन रहेगा सो so, यही आपका एरिया जो है वो आपके सेकेंड बेडरूम से भी कनेक्टेड रहेगा जो मैंने आपको बताया था देन यहाँ पे सामने वाली वॉल पे रहेगा एलईडी पैनल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का आप भी अपने रूम में लगा सकते हैं गाइज uh, इस घर में जो आपको फॉल्सनी के डिजाइन मिल रहे हैं ना वो आपको बहुत ही यूनिक एंड बहुत ब्यूटीफुल मिल रहे हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट सा डिजाइन आपको मिल रहा है एसी आपका इट इज रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं एंड देन यहां पे आ जाएगा हमारा क्लोजेट एरिया सो so, सबसे पहले यहाँ पे आपके कवर्स आ जाएंगे जो आप देख सकते हैं विद ऑटोमेशन लाइट रहेंगे देन यहाँ पे भी, भी आप देख सकते हैं अंदर भी आपके कैबिनेट्स हैं और फिनिशिंग भी काफी अच्छी है कबोर्ड्स की अंदर से भी ऊपर भी स्पेस है देन इस साइड अगेन आ जाएंगे काफी अच्छा स्पेस है एंड इस साइड रहेगा आपका ड्रेसिंग टेबल विद मिरर नीचे आपका वैनिटी वगैरह भी रहेगा जिसमें आप अपना मेकअप एंड डॉल स्टोर कर सकते हैं सो so, गाइज यहाँ पे ना दो एरियाज है इस तरफ आपका वॉशरूम है एंड इस तरफ आपको एक छोटा सा स्टोर रूम मिल जाता है सो so, कुछ इस तरीके का स्टोर रूम रहेगा जहां पे आप अपना लगेज एक्स्ट्रा लगेज जितना भी होता है वो आप रख सकते हैं uh, अपना कोई भी सामान जो आप अपने रूम में नहीं रखना चाहते वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एंड देन यहाँ आ जाएगा हमारा वॉशरूम सो so, ये रहेगा वॉशरूम साइज uh, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉशरूम का काफी ज्यादा स्पेशियस है एंट्री में सबसे पहले आपका बेसिन आ जाएगा गैस घर में जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है सारी आपकी जयगवार की रहने वाली है सो ये आ जाएगा आपका बेसिन वैनिटी भी प्रोवाइडेड है मिरर देख रहे हैं आप काफी बड़ा सीट आ जाएगा देन ये आपका बाथिंग सेक्शन रहेगा जिसमें आपका वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पे एंड पार्टीशन भी इंक्लूडेड रहेगा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी है एग्जॉस्ट लगा हुआ है गीजर आपका लगा हुआ है सो so, ये था हमारा वॉशरूम एंड हमारा थर्ड बेडरूम अब इसी के साथ हमारे इस घर का टूर तो कंप्लीट होता है मैं आपको एक बार रूफ टॉप भी दिखा देती हूँ आइए सो uh, गाइज so यहाँ पे आ जाएगी हमारी रूफ टॉप की एंट्रेंस जिसमें आपको ये सीढ़ियाँ मिल जाती है जिसमें आपका कंप्लीट जो है वो मार्बल का वर्क हो रखा है सो so, यहीं पे आपका जो रूफ टॉप की एंट्री है वो आ जाती है एंड एक रूम आ जाता है आपका यहाँ पे जो कि बेसिकली आपका सर्वेंट रूम है जिसमें किचन वगैरह का स्लैब सिंक uh, सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगा यहाँ पे तो आपके सर्वेंट इस रूम को यूज कर सकते हैं एंड नाउ यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूफ टॉप सो कुछ इस तरीके का है, गाइस, मनारा की तरह तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपका रूफ टॉप काफी ज्यादा स्पेस है रूफ टॉप पे बनाया भी काफी अच्छे तरीके से है इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉशरूम भी बनाया हुआ है जिसको आपके सर्वेंट वगैरह भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके का वॉशरूम है टैप्स वगैरह सीट वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगी बेसिन भी है टैप भी है यहाँ पे जैसे जो आपके सर्वेंट वगैरह हैं उनको वॉशिंग वगैरह करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं एंड स्पेस की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्पेस है एंड जो गाइज आपका घर है ना ये वाला जो घर है इसके साथ में ही बिल्कुल यहाँ पे पार्क आ जाएगा जो आप इस साइड यहाँ पे देख सकते हैं साथ में ही रहेगा एक घर छोड़ के एंड जो स्पेस है रूफ़ का उसको भी आप काफ़ी सारे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो अगर आपको पार्टीज़ वगैरह करने का शौक़ है वो भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है काफ़ी ब्यूटीफुल से प्लांट्स यहाँ पे इन्होंने लगा भी रखे हैं तो कुछ इस तरीके का भी आप कर सकते हैं और भी इनमें ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर छोटा मोटा शेड वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं अपने रूफ़ टॉप पे वो भी आप कर सकते हैं सो so गाइज़ ये था हमारा आज का विला इन 350 फिफ्टी स्क्वे यार डी में है जिसमें आपको घर तो मिलता ही है साथ ही साथ आपको बहुत सारी इन्वेंट्रीज भी मिल जाती हैं घर के साथ में बिल्कुल यहाँ पे पार्क आ जाएगा रोड्स जो हैं वो आपके काफ़ी वाइड हैं एंड जो ये लोकेशन है डीएलएफ के अंदर भी ये आपका जो इकोसिटी वाला रोड है जो मेन रोड है उसके बिल्कुल साथ में ही आ जाएगा ज़्यादा अंदर की लोकेशन भी नहीं है ये सो so, आपको ये विला कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डिटेल्स तो वैसे मैंने आपको बताई दी हैं इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा लिखा हुआ तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगी अगर आपको विजिट करना है तो आपका विजिट भी प्लान करेंगी तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर